गणेश चतुर्थी यह महाराष्ट्र का एक महान पर्व है जिसे बहुत ही धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब तो यह व्यापक हो चुका है, वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी गणेश चतुर्थी लोग मनाने लगे हैं। इंडिया के भी बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में लोग गणेश चतुर्थी मनाने लगे हैं। यह एक तरह से पूरे इंडिया में फैल चुका है। इसकी शुरुआत पेशवाओं ने की थी, पेशवा जो शाहू महाराज के समय से अवतरित हुए थे। बाद में 1970 या 72 के आसपास लोकमान्य तिलक ने भी इस चीज़ को प्रमोट किया था। आइए आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे महाराष्ट्र के पुणे जिले का गणेश उत्सव। हम लोग श्रीहंस सोसाइटी के गणेश उत्सव को कवर कर रहे हैं, आपका स्वागत है। आइए आइए गणेश जी की आरती का आनंद लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाति नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाति सर्वांगी सुंदर उठि चेंदुराति कंठी झलके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति देव जय देव कृष्ण कचित परा तुज गौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुमकुम केसरा हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुणभृति न पूरे चरणे गागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरसोंड वक्र तुंड त्रिनयनां सहस्रा माता वाग्माहे जगनां संकष्टि पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव गया प्रति है, थोड़ा गया प्रति है। और आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग है, चलते कभी बातें नहीं कीजिए एक दूसरे से, स्ट्रिक्ट वार्निंग। गणेश चतुर्थी के समय में लोग ढेर सारे खेल कूद का आयोजन करते हैं, प्रतिस्पर्धा का आयोजन करते हैं और ये बच्चों में खास करके ज़्यादा ही लोकप्रिय होता है। औरतें लेडीज इवन जेंट्स हर कोई पार्टिसिपेट करते हैं। माहौल बहुत ही मन को मोहने वाला और सबके लिए एक इंटरटेनिंग मोमेंट होता है। गणपति लोग अपने अपने कन्वीनियंट और हिसाब से और मन्नतियों के हिसाब से बिठाते हैं। कुछ गणपति डेढ़ दिन, तीन दिन, पाँच दिन, सात दिन या दस दिन तक गणपति जी को अपने यहाँ पे रखते हैं या पंडालों में रखते हैं। गौरी गणपति बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, दस दिन जो भी उनकी मान्यता के हिसाब से जो भी समय होता है उसके बाद हम लोग गणपति जी को विसर्जित कर देते हैं। कुछ गणपति विसर्जन को कवर करने की कोशिश किया हूँ। आइए आपको दिखाते हैं। लोग बड़े ही धूमधाम से गणपति जी का विसर्जन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ढोल ताशा होता है, एक आनंदपूर्वक माहौल।